बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी विधायकों की बड़बर पिटाई से आहत तेजस्वी यादव ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नीरज कुमार का नाम देते हुए कहा कि वे जान लें कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। मैं विधानसभा में महिला विधायकों की बड़बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीरज कुमार को कल बड़ा मजा आ रहा होगा जब सदन में महिला विधायकों की साड़ी उतारी जा रही, उनके ब्लाउज में हाथ डाला जा रहा था, उन्हें माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और उन्हें बाल पकड़ कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद नीतीश कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव और बिहार की जनता इस वाक्य को भूलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों को बर्बर तरीके से पीटकर पुलिस के सहारे पुलिस बिल पास कराया गया। नीतीश कुमार की सरकार ने जो कलंक की परंपरा शुरू कराई है उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतान पड़ेगा। वो भी दिन आएगा कि यही पुलिस नीतीश कुमार को घर में घुसकर पीटेगी। नीतीश को तब याद आएगा कि उन्होंने किस निर्लज परंपरा की शुरुआत की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार सी ग्रेड के नेता हैं। कल विधानसभा में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ। पूरा देश नीतीश कुमार को कोस रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को शर्म नहीं आ रही है। मैं जो दिन था लोहिया जयंती के अवसर पर, कल के दिन ही भगत सिंह शहीद हुए थे और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, माँ बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है, पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सीग्रेड पार्टी के सीग्रेड नेता, जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, ये जो हिटलर शाही तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, इनको याद करना चाहिए। जो कानून पेश किए हैं आज, तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है, तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे। लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पर बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है, ये नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए। और जो अधिकारी हमारे पास 200 से भी ज्यादा फुटेज है, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को लगाया गया है, अधिकारियों पर लगाया गया, सारी मर्यादा खो करके, सम्मान खो करके, प्रतिष्ठा खो करके, माँ बहन की गालियां दिलवाने का काम किया गया, विधायकों को पीटने का काम किया गया। हमारा काम है विरोध करना और हम सच्चाई के लिए विरोध कर रहे हैं, सही बात के लिए विरोध कर रहे हैं। बोलते हैं कि बहस करना चाहिए, मेरे एक महीने के सत्र में जितने तथ्यपूर्ण मैंने बातें रखी, क्या सरकार नीतीश कुमार जी ने उसका जवाब दिया? क्या नीतीश कुमार के मंत्रियों ने उनका जवाब दिया? एक जवाब जितने भी मैंने तथ्यपूर्ण रखे होंगे सदन पर,
एक का जवाब जो है अब तक नहीं मिला। इधर उधर की बातें करते हैं नीतीश कुमार और ये अधिकारी वगैरह अफसर सही पूरी तरीके से। नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े हों, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। ये कहते रहते हैं एबीसीडी नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी, जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बोलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा और बिल कैसे पास कराया गया, पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। पूरी तरीके से पूरा फोर्स डाल करके जबरदस्ती सदन है सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के लिए, पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल, जिसका जिक्र हमने किया, इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, पांचों साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे, हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है, ये हम लोगों की वजह से। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे, हम लोगों को चिंता है जनता की, उनकी भावनाओं की। लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी भी शर्म लहजा, अब कुछ नहीं बचाऊंगा। जो काला दिन पूरा देश जो है, पूरे देश में आज इसकी चर्चा होगी, नीतीश कुमार जी की थूथू।